हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 55 और डेट है हमारी 7 सितंबर 2020। और आज जो यहाँ पर एक नक्शा दिख रहा है, इसे देख के आपको पता चल गया होगा ये नक्शा किस चीज़ का है। ये है मेट्रो रेल का, कि मेट्रो रेल का रूट क्या क्या है और कौन कौन से उसके स्टेशंस हैं। तो देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। मेट्रो रेल दिल्ली वासियों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मेट्रो द्वारा सफ़र सुविधाजनक हो गया है। अनलॉक 4 के दौरान हम सभी मेट्रो सेवाएं दोबारा शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आइए मेट्रो मार्ग नक्शे का प्रयोग करते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब हमें ये पता है मेट्रो रेल हमारे लिए कितनी सुविधाजनक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, आप एसी में आराम से बिना दिक्कत के पहुंच सकते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद कर दिया गया, उसमें मेट्रो भी बंद हो गई। और अनलॉक 4 यानी अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मेट्रो की सेवाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। और आज 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाएं जो शुरू हो रही हैं उन्हें भी धीरे धीरे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे मेट्रो की सेवाएं जो हैं वो भी रेगुलर हो जाएं। तो अब ये नक्शा देखते हुए हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारे प्रश्न क्या हैं, अब देखते हैं हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके घर से सबसे नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है। तो हमारे घर से, तो आपके घर के नज़दीक जो भी सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मेरे स्कूल के या मेरे घर के नज़दीक जो सबसे मेट्रो स्टेशन है वो है मयूर विहार फेज़ 1 का। तो मेरा हो गया मेट्रो स्टेशन मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन। आपके घर के जो सबसे नज़दीक हो आप उस मेट्रो स्टेशन का नाम लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बीच कौन कौन से स्टेशन हैं। तो अब इसके लिए तो हमें क्या देखना होगा, हमारा नक्शा। तो अब हम हमारा नक्शा देखते हैं। ये है हमारी नई दिल्ली और ये रहा हमारा कश्मीरी गेट। तो बीच में कौन कौन आ गया, बीच में आ गया एक बार तो चावड़ी बाज़ार और एक आ गया चांदनी चौक। तो हमारा उत्तर क्या क्या हो जाएंगे, चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक। तो हमारे दो मेट्रो स्टेशन आते हैं नई दिल्ली और कश्मीरी गेट के बीच में, एक तो चावड़ी बाज़ार और एक हमने देखा चांदनी चौक। तो ये दो हो गए हमारे। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राजीव चौक स्टेशन से कितनी लाइनें निकलती है। अब हमारी होती है ना पिंक लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, वायलेट लाइन, एक्वा लाइन, कई तरह की लाइन है जिससे पता चलता है वो कौन से रूट पर हैं। तो अब राजीव चौक स्टेशन से हमें देखना है कि कौन कौन सी लाइनें निकलती है। तो ये रहा राजीव चौक स्टेशन। अब यहाँ से एक तो हमें ब्लू लाइन दिख रही है कि ब्लू लाइन निकल रही है और एक है हमारी ये येलो लाइन। तो कितनी लाइनें निकल रही हैं, दो लाइनें निकल रही हैं, एक तो ब्लू लाइन और एक येलो लाइन। तो कितनी लाइनें, दो लाइनें। अब है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, जोरबाग स्टेशन कौन सी लाइन पर स्थित है, यानी जोरबाग स्टेशन का नाम है ये कौन सी लाइन पर है। अब जोरबाग को ढूंढते हैं कि जोरबाग कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास। तो जोरबाग लिखा हुआ है ये रहा जोरबाग, और कौन सी लाइन पर है ये, कौन सा कलर है ये, येलो यानी पीली लाइन जो है हमारी। तो मेट्रो की पीली लाइन जो है उस पर जोरबाग स्टेशन स्थित है, यानी हम लिख सकते हैं येलो लाइन या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, पीली लाइन। तो इस लाइन पर ये हमारा जोरबाग स्टेशन स्थित है। अब अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, जोरबाग स्टेशन से कश्मीरी गेट स्टेशन के बीच कुल कितने स्टेशन आते हैं उनके नाम लिखिए। तो जोरबाग हमने देख लिया और कश्मीरी गेट भी देखा, अब गिनने हैं कि उनके बीच में कितने स्टेशन हैं और उन सब के नाम भी लिखने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारे जोरबाग से ही शुरू करेंगे और कश्मीरी गेट तक घूमते हुए पहुँचेंगे। तो अब देखें, पहला है तो हमारा जोरबाग,
ये हो गया जोरबाग। अब जोरबाग से शुरुआत की हमने, पहला स्टेशन आया लोक कल्याण मार्ग, दूसरा आ गया उद्योग भवन, फिर आया हमारे पास केंद्रीय सचिवालय, फिर पटेल चौक, फिर हम पहुंच गए राजीव चौक, फिर आ गए नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक, और फिर पहुंच गए कश्मीरी गेट। तो हमें तो इनके बीच के निकालने हैं, तो अब गिनना शुरू करें। ये हो गया हमारा एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, फिर हमारे पास कौन सा आया, नई दिल्ली, छः, और ये सात और आठ। यानी हमारे आठ मेट्रो स्टेशन हैं जोरबाग से लेके किसके बीच में, कश्मीरी गेट स्टेशन के बीच में। अब हमें इनके नाम भी लिखने हैं। तो कुल स्टेशन तो हमारे आठ हो गए, हमने देख लिया। अब स्टेशन के नाम लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, लोक कल्याण मार्ग। तो पहला स्टेशन अगर हम जोरबाग से शुरू करते हैं तो पहला स्टेशन है लोक कल्याण मार्ग, दूसरा है उद्योग भवन, तीसरा क्या बताया था मैंने, केंद्रीय सचिवालय, और चौथा है हमारा पटेल चौक, चौथा स्टेशन मिल गया हमें। पांचवें नंबर पे है राजीव चौक, राजीव चौक के बाद तो हमें पता है, राजीव चौक से नई दिल्ली से शुरू करें आप, राजीव चौक, उसके बाद आ गया हमारे पास नई दिल्ली के बाद चावड़ी बाज़ार। अभी हमने ऊपर भी देखा था ना, नई दिल्ली से कश्मीरी गेट के बीच में चावड़ी बाज़ार, और चावड़ी बाज़ार के बाद है हमारा चांदनी चौक, और फिर आ जाता है हमारा कश्मीरी गेट। तो हमें तो बीच के स्टेशन लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर हमारा जोरबाग है, ये है जोरबाग, और एंड में आ गया हमारा कश्मीरी गेट। इन दोनों के बीच में हमने देख लिया हमारे कितने स्टेशन हैं, आठ स्टेशन हैं, और उनके ये नाम हैं। तो अब और भी आपके जहाँ आप जहाँ रहते हो उससे दूसरी जगह के बीच में कहीं जहाँ पहुँचना है, जो आपके कहीं रिलेटिव रहते हैं उनके बीच में जो जो स्टेशन आते हैं, उन सब के भी नाम आप खोजने की कोशिश कीजिए कि वहाँ तक जाने के लिए आपको कितने स्टेशन पार करने होते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।